बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो पहले से थोड़ा बढ़ाया गया है, तो आप कितनी भी लंबी दूरी एक बार में ही अगर जाना चाहें, गाड़ी में गर्म होने की कोई समस्या नहीं है। फाइनेंस की क्या फैसिलिटी है, एक बार हमें वो भी बता दीजिए। फाइनेंस की व्यवस्था हमारे शोरूम में ही अवेलेबल है। अच्छा, फाइनेंसर में हमारे यहाँ अभी आपको प्राइवेट फाइनेंस के द्वारा महिंद्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आपको सिर्फ बाइक दिखा रहे थे, सेकेंड हैंड बाइक, नया बाइक और कार। तो आप लोग का काफी ज्यादा डिमांड आ रहा था कि कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोई गाड़ी दिखाइए जिससे कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सके। तो आ गए हैं अभी पियाजियो का जो शोरूम है टीवीएस के थ्रू, है ना, ये पियाजियो मां शारदा ऑटोमोबाइल्स, वहां पे आ गए हैं। और ये जो हमारे सामने देख रहे हैं वो एपेक्स अल्ट्रा एलडीएक्स प्लस है। उसमें जो कार्गो गाड़ी है उसके बारे में, उसकी फीचर्स और उसके बाद लोन वगैरह का जो भी फैसिलिटी हमारे यहाँ प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये गाड़ी है एपेक्स एलडीएक्स प्लस, BS6 पे है। अगर इसके लुक के हिसाब से जाइएगा बाहर से, तो जो इसका हेडलाइट और इसके साइड लाइट्स जो है, सामने का बम्पर्स है, लोगों का जो पहले का डिजाइन था वो अभी चेंज हो गया है। BS4 के जो आप LDBS4 का देखे हुए थे, BS6 में इसका जो हेडरूम है वो थोड़ा बड़ा किया गया है ताकि जो ड्राइवर को चलाने के समय गर्मी कम लगे। अब इसका अंदर का फीचर्स आपको दिखाते हैं। BS4 में जो आपको इसका डैशबोर्ड मिलता था वो पूरी तरह से चेंज हो गया है, स्टाइलिश हो गया है। इसमें आप म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं और आपका जो डिजिटल कंसोल है, आपका ये मीटर का जो है, मीटर कंसोल भी पूरा डिजिटल है, एनालॉग है। यहीं पे आपको गाड़ी की सारे जानकारी मिल जाएगी जब हम चाबी से ऑन करेंगे इसको। हाँ। तो इसका सारा फीचर्स जो है यहाँ पे आपको गाड़ी की बैटरी की, इंजन की सारी चीज है, आपको एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए चाबी को जैसे ही ऑन करेंगे हम, अच्छा ये सारा कुछ, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाने लगेगा। ऑफ, हाँ। गाड़ी जैसे ही स्टार्ट होगी ये सारा फिर ऑफ हो जाएगा। न्यूट्रल इंडिकेटर है, आपको गियर कम या ज्यादा जो करना है उसके लिए भी इंडिकेशन दिया गया। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ये जो आपको अंडर का जो है इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, सीटिंग कैपेसिटी क्या है इसकी? एक का ही है अभी। अच्छा एक का ही है। हाँ, अगर अच्छा कार्गो में एक मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मैक्सिमम दो लोगों के लिए, मतलब मैक्सिमम दो लोगों बैठ सकते हैं। हाँ। जी, और अगर सर बैटरी की बात कर ली जाए तो कितना बैटरी है आपका? वो कंपनी फिटेड है या फिर कंपनी के द्वारा ही रहता है? अच्छा कंपनी फिटेड बैटरी है। अच्छा अच्छा, एक साल की वारंटी है बैटरी पे भी। अच्छा बैटरी की भी एक साल की वारंटी है। अच्छा अच्छा, पूरी गाड़ी की 42 मंथ्स की वारंटी है। अब इसके बैक साइड में इसका जो डेक लेंथ है, ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, ये अभी 6 फीट का गाड़ी है। अच्छा इसका जो ये 6 फीट का है, इसका डाला का जो लेंथ है, हाँ हाँ, 6 फीट का है। हाँ हाँ, जो 5.5 फीट का है। बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, जो पहले से थोड़ा बढ़ाया गया है, तो आप किसी भी तरह के रफ रोड में भी इस गाड़ी को ले जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, गाड़ी का जो इंजन है, इंजन की पावर क्या है एक बार आप बता दें? सीसी का इंजन है, जो वाटर कूल इंजन है, आपको नीचे, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं इसमें एलईडी वाटर भी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आप कितनी भी लंबी दूरी एक बार में ही अगर जाना चाहें, गाड़ी में गर्म होने की कोई समस्या नहीं है। ये गाड़ी का इंजन हो गया,
अच्छा ये इंजन हो गया, यहाँ कूलेंट बॉक्स है जो आपको इधर फिर अगर इस साइड से आप आकर देखेंगे पंखा भी लगा हुआ है। अच्छा, जो गाड़ी के इंजन को गर्म नहीं होने देता। हाँ, गाड़ी के इंजन को गर्म नहीं, वो देखिए वो पंखा है ना, वो पंखा लगा हुआ है। आप कितनी भी लंबी दूरी पे अगर जाना चाहें आराम से जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो और आप ये बताइए ना लोडिंग कैपेसिटी आपके पास। हाँ, गाड़ी की 1 टनर है। हाँ, 1 टन की लोड आप इस पे कर सकते हैं। 1 टन की फुल लोड आप कर सकते हैं मतलब इस गाड़ी में। और इसका एक बार में कितना किलोमीटर चल सकता है ताकि गाड़ी बंद नहीं हो? कितना भी आप कितना भी चल सकता है। इसके गाड़ी में इंजन के गर्म होने का समस्या एकदम नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये BS6 है? हाँ, BS6 ही है। अच्छा, BS6 मॉडल है। हाँ ठीक है, BS6 का कोई बेनिफिट बताइए। BS6 का बेनिफिट है कि अब आप लंबी दूरी के, जैसे BS4 में था आप लंबी दूरी जा नहीं सकते थे, ये जो पहले उसमें एयर कूल्ड इंजन था उस इंजन को बदल के वाटर कूल्ड इंजन कर दिया गया है। अच्छा अच्छा, लंबी दूरी चलने में आपको आसानी होगी। तो आप, या फिर अगर आप ज्यादा शॉर्ट ट्रिप भी करते हैं तो ट्रिप भी आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, गाड़ी गर्म नहीं होगी, आपको रोक के कहीं उसको ठंडा नहीं करना है। जितना भी चाहे आप गाड़ी को। पेट्रोल वेरिएंट में है या डीजल वेरिएंट में? डीजल वेरिएंट में भी है और पेट्रोल वेरिएंट में भी है। अच्छा, दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। अवेलेबल है। और दोनों के अगर माइलेज की बात कर ली जाए तो अप्रोक्स कितना देता है? 35 प्लस का माइलेज पेट्रोल डीजल का है। अच्छा, डीजल का। हाँ, पेट्रोल में आपको यही 28 से 30 का आएगा। 28 to 30, मतलब ये कंपनी ऐसा क्लेम करती है या फिर ओनरशिप रिव्यू में पता? ओनरशिप का क्लेम में अगर डीजल की बात करें तो 30+ का, 30+ देता है, यूज कर रहे हैं 30+ का वो बताते हैं। अच्छा अच्छा, और सर आपके पास फाइनेंस की क्या फैसिलिटी है एक बार हमें वो भी बता दीजिए। फाइनेंस की व्यवस्था हमारे शोरूम में ही अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, सर में हमारे यहाँ अभी आपको प्राइवेट फाइनेंस के द्वारा महिंद्रा फाइनेंस हो गया, चोला के थ्रू फाइनेंस होता है, IBL के थ्रू फाइनेंस होता है। अगर आप बैंकिंग के लिए कहेंगे तो जो शहर का लोकल रेडियस में जो भी बैंक है सारे से हम फाइनेंस का आपको फैसिलिटी अभी देते हैं। सारे बैंक से फैसिलिटी देते हैं। हाँ, मतलब कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली या फिर कोई नॉर्मल फैमिली आता है अगर गाड़ी लेने तो उसको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लाना पड़े एक बार आप वो भी बता दीजिए थोड़ा। डॉक्यूमेंट भी बहुत सिंपल है, आधार, वोटर, पैन कार्ड, मतलब जो नॉर्मल अपना होता है, कोई भी दो तरह का आईडी प्रूफ, हाँ, पासबुक, जमीन रसीद और फोटो। अच्छा अच्छा, बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए। और डाउन पेमेंट कितना करना होगा? डाउन पेमेंट अप्रॉक्स अभी इस गाड़ी के लिए आपको 85,000 के आसपास में आ रहा है ऑन रोड पे। अच्छा, 80 इसका फुल प्राइस 85,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा ऑन रोड के लिए? ऑन रोड के लिए। अच्छा अच्छा, और इसकी फुल प्राइस क्या है जो ऑन रोड प्राइस निकल कर आ जाती है? 6 फीट का टेक लेंथ अगर आपको चाहिए, हाँ हाँ, वो 3,25,000 ऑन रोड है। 3,25,000? हाँ, ऑन रोड है। अच्छा, ऑन रोड प्राइस है ना? हाँ, ऑन रोड प्राइस। इसके साथ साथ आप इंश्योरेंस भी देते हैं? हाँ, इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन के साथ है। अच्छा अच्छा, तो इंश्योरेंस कितने साल का होता है वो? इंश्योरेंस 1 साल, 1 साल फर्स्ट पार्टी और 2 साल थर्ड पार्टी ना? नहीं, इंश्योरेंस ये कमर्शियल गाड़ी है, इसमें जब भी होगा तो 1 ही साल का। अच्छा, 1 ही साल का होगा। अच्छा अच्छा, और अगर हमारे वीडियो के थ्रू कोई कस्टमर आता है लेने तो उसको कुछ और डिस्काउंट भी दीजिएगा? हाँ, दे देंगे। डिस्काउंट मिलेगा? हाँ, मिलेगा। ठीक है सर, तो फिर एक बार फिर से आप अपना एक लोकेशन बता दीजिए। हमारे शोरूम का पता है पुराना इनकम टैक्स रोड या ओल्ड इनकम टैक्स रोड कहिए या TVS शोरूम रोड कहिए, जो 2 नंबर टाउन में है, TVS शोरूम वाला रोड भी आप इसको पा सकते हैं। जो लोग लोकल है यहाँ के या पहले से भी जानते हैं, माँ शारदा ऑटोमोबाइल यहाँ 2006 से शुरू है। अच्छा, 2006 से यहाँ शुरू है, एस्टैब्लिश है। ठीक है, तो आपका जो शोरूम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, अगर कोई कस्टमर रेडी होगा, एग्री होगा खरीदने के लिए तो वो आपको कॉल कर लेगा। बिल्कुल। तो और गाड़ी का तो फीचर्स तो आपने सारा कुछ बता दिया, और कुछ वैसा कोई फीचर्स जो आपने अभी तक नहीं बताया एक बार देख लीजिए? नहीं, फीचर्स तो सारा हमने बता दिया। अभी गियर भी जो आपके मुताबिक गाड़ी कैसा है? गाड़ी तो जो हमारे मुताबिक नहीं, हम कस्टमर के फीडबैक के हिसाब, हाँ, मतलब कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से कैसा गाड़ी है? अभी बेहतर है ये, लोडिंग में भी और चलने में भी। लोडिंग में और चलने में गाड़ी अच्छा है। हाँ, तो गाइस आपने देख लिया गाड़ी का जो फुल डिटेल है, इसका एक शोरूम प्राइस से लेके ऑन रोड प्राइस या फाइनेंस का क्या फैसिलिटी है वो सभी कुछ इस वीडियो में हम आपको बता दिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें आपका क्या इशू है आप हमें वो भी कमेंट करके बताइए। इससे रिलेटेड आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, शोरूम का जो डिटेल है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।